हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE। एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है। और स्वागत है आपका ECLE के। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पिछले वीक में हमने वुड लाइक टू की क्लास भी पढ़ी थी, वुड लाइक टू बी और वुड लाइक टू हैव की जो हमने क्लास की थी। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्लास पढ़ेंगे और यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम देखते हैं कि आप पहचान देखते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसी पहचान देखते हैं। और साथ ही मैं कुछ डिफरेंट भी लाया हूँ आपके लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रांसलेशन को बेहतर बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस बना सकें, अपनी अंग्रेजी को सही रूप से कैच कर सके। इसलिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्लास में आपके बीच में लाया हूँ। हम मिक्स ग्रामर पढ़ेंगे, मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके, और स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन बैच यूट्यूब पर है, बिल्कुल फ्री। ECLE पर आपको प्लेलिस्ट पर जाना है, वहाँ पर क्लिक करना है। फर्स्ट से लास्ट तक जो वीडियो जो अभी तक बन रही है, आपको सारी की सारी वीडियो इंग्लिश स्पोकन बैच पर मिल जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पहचान की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया है कि रहा है, रही है, रहे हैं, या हम बोल सकते हैं हुआ है, हुए है और हुई है। हुआ है, हुई है, हुई है, डबल लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ है, हुई है और हुए हम बोल सकते हैं, इसके हम पहचान हम कर सकते हैं। ओके, साथ ही मैंने कुछ वर्ड भी लिखी है कि अगर ये वर्ड आए तो आपको समझ लेना कि सेंटेंस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आपको बनाना है। इसके मैं हिंदी मीनिंग भी आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट मीनिंग है सिट, कीप, स्लीप, पुट, स्टैंड, हैंग, स्टे और स्टेक। ओके, ध्यान से फिर से देख लो, अगर ये सेंटेंस आए, ये वाली वर्ड आए तो आप सोचना कंटिन्यूस की है। ऐसा है सेट, कीप, स्लीप, पुट, स्टैंड, हैंग, स्टे एंड की स्टिक। ओके, तो सेट मीन्स क्या होता है? बैठना। आपको अपनी कॉपी पर लिख लेना, ठीक है, मैं इस पर लिखना भूल गया हूँ। तो सेट मीन्स होता है बैठना, कीप मीन्स रखना, स्लीप मीन्स सोना, पुट मीन्स भी रखना होता है, स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना, खड़ा हुआ होना। ओके, हैंग मीन्स होता है लटकाना, ठीक है, और क्या है स्टे मीन्स क्या होता है? स्टे मीन्स होता है क्या है? स्टे मीन्स होता है आपका खड़ा रहने रहना, ठीक है, रहना। स्टिक मीन्स होता है चिपकना। एक मीनिंग और भूल गया, ले, ले मीन्स होता है पड़ा हुआ रहना, ठीक है। तो हम ए हम बोल सकते हैं कि, और हम इसके सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं जैसे कि पेन पड़ा हुआ है, या पर वह पेन रखा हुआ है, हम खड़े हुए हैं, बच्चे नाच रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, वह उल रहा है और बारिश हो रही है। हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ट्रेन आ रही है, बस जा रही है, मैं सो रहा हूँ, बच्चे जाग रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, आप जितने सेंटेंस बना लो उतने कम है इस सेंटेंस में। ओके, तो पहचान आपने देख ली होगी। तो मैं अब इसको मैं क्या इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, इसलिए थोड़े से मैं वर्ड लिख में वर्ड बड़े वाले शब्दों में आपने लिख लिया था, मैंने आपको लिख दिया था, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और हमने जब पहचान की बात की, पहचान याद रखना, आपको लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, आप लिख लेंगे इसको, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो हम सेंटेंस पर हम जाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि वह बैठा हुआ है, वह बैठा हुआ है, ठीक है, मैं सोया हुआ हूँ, मैं सोया हुआ हूँ, मैं सोया हुआ है, वह नाच रहा है, वह नाच रहा है, वे खेल रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं? वे खेल रहे हैं, ठीक है। तुम हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो, क्या बोल सकते हैं? तुम हंस रहे हो, ठीक है। पानी, फोटो, फोटो चिपकी हुई है, फोटो चिपकी हुई है, चाह, हाँ, फोटो चिपकी हुई है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट हम कहाँ पर जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो हम इस प्रकार के हम सेंटेंस हम बना सकते हैं, मैंने एग्जांपल तो क्या लिख दिए हैं आपको। और हम अब स्ट्रक्चर पर जाते हैं। स्ट्रक्चर देख लो भैया, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ध्यान रखना, इज, एम और आर, क्या आएगा? इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फॉर्म लेगा। किसमें क्या लेगा? इसमें आई एन जी फॉर्म लेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और प्लस अदर वर्ड आएगा, ठीक है।
प्लस क्या आएगा, अदर वर्ड आएगा। जैसे मैं ए को लिख लेता हूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ठीक है, थोड़ा सा मैं तुमसे बोल रहा हूँ ठीक है। ऐसे नेक्स्ट जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई एन जी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड आएगा, ठीक है। ऐसे थर्ड स्ट्रक्चर लेते हैं, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ऐसे फोर्थ वाला लेते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा फोर्थ वाले में, जिन्हें हम इंटोग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इंटोग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं, ठीक है। प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी आएगा, पर ऑब्जेक्टिव आएगा और प्लस अदर वर्ड आएगा, ठीक है, अदर वर्ड आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड पर जाते हैं, क्या आएगा, इज एम आर, क्या आएगा, इज एम आर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड का हम यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट लेते हैं, लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर मैं बोलता हूँ, इज एम आर बोल भी रहा हूँ, आप लिख भी लेना, प्लस सब्जेक्ट प्लस के बाद नॉट आएगा, प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, हो गया, इतना हो गया, आई होप इतना हो गया होगा। अब आपको ध्यान रखना है, इज एम आर आएगा कहाँ, कहाँ आएगा इज एम आर, तो मैंने आपको पहले भी आपको वीडियोस में बताया है कि इज एम आर का यूज़ कहाँ होता है। मैं फिर ही बता देता हूँ कि इसका उपयोग ही शी इट और सिंगुलर किसी नाम के साथ हम इसका उपयोग करेंगे। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, आपको पता ही है, और आर का उपयोग होता है आई वी दे यू, क्या सॉरी दे यू वी, और जो प्लुरल है दोज है, और किसी प्लुरल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो थैंक्स फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हमें सेंटेंस बनाना है, ठीक है, जो हुआ है वाले हैं वो अपन वर्ड बनाएंगे। तो मैं बैठा हुआ है, वह सोया हुआ है, ठीक है, तो मैं सोया हुआ हूँ, ठीक है, क्या आएगा, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ का सेंस भी आ रहा होगा, लेकिन मैं सोया हूँ मतलब सोने की जो प्रोसेस है वो चल रही है, तो क्या आएगा, मैं सोया हुआ हूँ। हम बोल सकते हैं मैं सोया हुआ नहीं हूँ, तो क्या आएगा, आई एम नॉट स्लीपिंग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या मैं सोया हुआ हूँ, क्या आएगा, एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सोया हुआ नहीं हूँ, क्या आएगा, एम आई नॉट स्लीपिंग, ठीक है। मैं क्यों सोया हुआ हूँ, बोल सकते हैं, तो why am I sleeping, मैं क्यों सोया हुआ नहीं हूँ, क्या आएगा, why am I not sleeping। इस प्रकार हम सेंटेंस को हम बना सकते हैं, सेंटेंस की हम
प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। तो फटाक से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंस की, बोलना का हम प्रयास कर लेते हैं। मैं सोया हुआ हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं सोया हुआ नहीं हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। क्या मैं सोया हुआ हूँ, एम आई स्लीपिंग। क्या मैं सोया हुआ नहीं हूँ, एम आई नॉट स्लीपिंग। मैं क्यों सोया हुआ हूँ, वाई एम आई स्लीपिंग। मैं क्यों सोया हुआ नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट स्लीपिंग। हम ऐसे ही बोल सकते हैं। वह बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग। वह बैठा हुआ नहीं है, ही इज नॉट सिटिंग। क्या वह बैठा हुआ है, इज ही सिटिंग। क्या वह बैठा हुआ नहीं है, इज ही नॉट सिटिंग। वह कहाँ बैठा हुआ है, वेयर इज ही सिटिंग। वह कहाँ बैठा हुआ नहीं है, वेयर इज ही नॉट सिटिंग। बोल सकते हैं वह नाच रहा है, वह नाच रहा है, ही इज डांसिंग। वह नहीं नाच रहा है, ही इज नॉट डांसिंग। क्या वह नाच रहा है, इज ही डांसिंग। क्या वह नहीं नाच रहा है, इज ही नॉट डांसिंग। वह कैसा नाच रहा है, हाउ इज ही डांसिंग। वह कैसा नहीं नाच रहा है, हाउ इज ही नॉट डांसिंग। ऐसे हम बना सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ये वाला सेंटेंस बना लो, वर्षा हो रही है। तो इस पर ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, जिसमें सब्जेक्ट नहीं है लेकिन हम इट से बनाएंगे। किस से बनाएंगे, इट से बनाएंगे। तो वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग। क्या वर्षा हो रही है, इज इट रेनिंग। क्या वर्षा नहीं हो रहा है, इज इट नॉट रेनिंग। वर्षा कितनी हो रही है, नाप तो सकते नहीं है, काउंट कर सकते नहीं है। तो हाउ मच इज इट रेनिंग। वर्षा कितनी नहीं हो रही है, हाउ मच इज इट नॉट रेनिंग। तो हम इस प्रकार हम सेंटेंस की का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोल सकते हैं फोटो चिपकी हुई है, फोटो चिपकी हुई है। तो फोटो इज स्टिकिंग, चिपकना। फोटो इज स्टिकिंग, फोटो नहीं चिपकी हुई है, फोटो इज नॉट स्टिकिंग। क्या फोटो चिपकी हुई है, इज फोटो स्टिकिंग। क्या फोटो नहीं चिपकी हुई है, इज फोटो नॉट स्टिकिंग। फोटो कहाँ चिपकी हुई है, वेयर इज फोटो स्टिकिंग। फोटो कहाँ नहीं चिपकी हुई है, वेयर इज फोटो नॉट, सॉरी वेयर इज फोटो नॉट स्टिकिंग। हम इस प्रकार हम सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस हमें कैसे बनाने हैं, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। आई होप आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ओके, तो यदि आप इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं इंग्लिश स्पोकन बैच की मैं हर बार बता रहा हूँ, इंग्लिश स्पोकन बैच मैं आप इसलिए इसको प्रमोट कर रहा हूँ इंग्लिश स्पोकन बैच को, क्योंकि इसकी लगभग 60 से ज़्यादा वीडियो हो चुकी हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर द इंग्लिश, यदि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, या फिर आप स्पोकन के लिए यूज़ करना चाहते हो, आप स्पोकन सीखना चाहते हो, इंग्लिश स्पोकन बैच बहुत बढ़िया तरीके से पूरी एनर्जी के साथ मैंने आपके लिए बनाया है। अभी ये चल ही रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप स्पोकन करना तो आप यहाँ से शुरू हो जाओ। अगर आप स्टार्टिंग से करें आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो आपको वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना खूब सारा ख्याल रखें।